बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बजिया के संग। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और पास बने बेल के निशान को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और जो पहले से मेरे चैनल पर हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हमने बनाए हैं साबत मसूर, जिसको ब्राउन दाल भी कहते हैं, और इसके साथ हमने वाइट चावल बनाए हैं। और ये हमारी, इसके साथ हमने बहुत ही चटपटी सी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिर्चें फ्राई की हैं, हरी मिर्चें। तो ये हमारी सलाद। तो गर्मियों में ये मसूर और चावल बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी हल्के फुल्के खाने। तो आज हमने ये खाने में बनाया है बच्चों की, ये ब्राउन दाल, वैसे मसूर, साबत मसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये आया है गिफ्ट हमें शिकारपुर से, अचार। तो ये, इसकी बड़ी तारीफ सुनी है, तो अब देखेंगे कैसा है ये। एक तो हमारे पास है मिक्स, ये ढक्कन अंदर ही रह गया, खोला कौन सा था। एक है ये मिक्स, एक ये है आम का, ये खोलना ज़रा, ऊपर से उठाना, ये आम का। और एक है ये धनिए पुदीने की खट्टी चटनी, प्लेट लेना, थोड़ा सा निकाल के देखें कैसा है भाई। लाओ जी, यहाँ रखो जी। तो ये है हमारा आम का, ये वाला, ये आम का अचार है, ये मिक्स है, इसमें चने भी डाले हुए हैं साबत, और ये है चटनी। इसकी, इस अचार की बहुत तारीफ सुनी है, अब ज़रा खा के देखते हैं, पहले चटनी खा के देख लें थोड़ी सी। बहुत ज़बरदस्त आम में, इसमें मिक्स अचार में साबुत चने भी डाले हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारी दादी, हमारी वालदा, अल्लाह जन्नत सी करे, फालसा डाला करती थी, फालसे का अचार बहुत अच्छा डालती थी, बहुत ही ज़बरदस्त होता था। चने का भी सुना था, खाया नहीं, लेकिन इसमें है चने, तो अब खा के देखते हैं कैसे निकलते हैं। बहुत मज़े का भी, चने का भी ज़बरदस्त। ज़बरदस्त चटकारेदार चटनी भी ज़बरदस्त। चटनी में केरी है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। तो ये शिकारपुर से आया है गिफ्ट, बहुत ही मज़ेदार है, नमक मिर्च बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हमें गिफ्ट आया है, एक पठान फैमिली फ्रेंड है हमारे, उनकी ये ट्रेडिशनल डिश है, तो दिया, अब हम खा के देखते हैं कि है क्या। बता रहे थे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डालती हैं। मज़े की है वक्त। लगता है सूजी, मैदा और बेसन वगैरह, शहद शहद वगैरह डाल के बनाई गई है। तो इसका नाम मैं भूल गई, नाम भी उन्होंने बताया था, तो पता नहीं क्या नाम है। तो नाम आपको किसी को पता हो तो देख लें,
मैं नाम भूल गई, लेकिन है बड़ी मज़ेदार, ज़बरदस्त। ये मैंने खा के देखी है, बहुत मज़े की। ये देखिए अंदर से एकदम नरम भी है, देखिए बिल्कुल नरम है और बहुत मज़ेदार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तो इसी के साथ हमारा टी टाइम भी हो गया। तो ये है हम सबकी चाय, और ये है रोल, पेटिस, समोसे, और ये क्या है, केक, सादा केक है या फ्रूट केक है। तो आजकल मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, कभी हल्की फुल्की बारिश हो जाती, कभी खैर बहुत गर्मी और घुटन भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जब बारिश होती है तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, जैसे कहना चाहिए दिल नशी। तो बच्चों को रोज़ चाय के साथ कोई रिफ्रेशमेंट की सूझती है, तो ये चाय के साथ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और ये फिर दूसरे दिन फिर चाय के साथ बारिश हुई है, तो ये फिर रोल और ये मिठाई है, चमचम वगैरह, छोटी छोटी नन्नी नन्नी सी है, बहुत प्यारी लगती हैं, बच्चों को पसंद भी बहुत है, छोटी छोटी बहुत ही खुश होकर खाते हैं। एक उसमें इम्बाइक में अपना एक ही दफ़ा एक चम्मच में उठाओ पूरी मुँह में। तो ये फिर टी टाइम। आजकल गर्मी में वैसे भी दिन बहुत बड़े होते हैं, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो ये बच्चों का है फिर से टी टाइम। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।